के साथ नोएडा से मिल रही है। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स की दबंगई का एक मामला सामने आया। यहां सेक्टर 39 थाना इलाके में आम्रपाली सफा सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति की गार्डों ने पिटाई कर दी है। इस मामले में सामने आया वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। बताया गया कि कार पर स्टीकर नहीं होने पर गार्डों ने व्यक्ति की पिटाई की। कुछ दिन पहले 8 सितम्बर को लोटस व्यू वर्ड के गार्ड्स की भी दबंगई का मामला सामने आया था। यहाँ के भी एक रेस्टोरेंट को गार्ड ने पीटा था। तो ये तस्वीरें फिलहाल सामने आई है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है किस तरीके से गार्ड ने, जो यहाँ के गार्ड है, उन्होंने दबंगई की है एक व्यक्ति के साथ। उसकी ये तस्वीर आप देखिएगा। और मसला कुछ इस तरीके से था कि गाड़ी पर स्टिकर नहीं लगा था, व्यक्ति गाड़ी को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था और इसी के चलते ये जो तमाम गार्ड्स हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी दबंगई दिखाई, हाथों में डंडे लिए किस तरीके से इस व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। उसकी ये तस्वीर अब जमकर वायरल हो रही है। आम्रपाली सफाई सोसाइटी का ये पूरा मामला आपके सामने। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स की दबंगई जो है देखने को मिल रही है। उसमें पहले भी ऐसा ही एक वीडियो और मामला सामने आया था जहां पर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई थी, दबंगई देखने को मिली थी। तकरीबन 8 सितंबर की घटना थी, लोटस व्यू वर्ल्ड की गार्ड की भी दबंगई देखने को मिली थी। और अब एक और मामला सामने आया जहां पर एक रेसिडेंट की जमकर पिटाई की गई है गार्डों द्वारा। और इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी सामने आया। सेक्टर 39 थाना इलाके में आम्रपाली सफाई सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति की पिटाई हुई है। गार्डों ने यहां पर हाथों में डंडे लेकर इस व्यक्ति की पिटाई की। जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक गाड़ी पर स्टीकर चूंकि नहीं लगा था, ऐसे में स्टीकर ना लगा होने के कारण यहाँ पर इसकी पिटाई की गई, क्योंकि व्यक्ति गाड़ी के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। इसी घटनाक्रम में गार्डों ने यहाँ पर इस व्यक्ति की पिटाई शुरू की। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिएगा कैसे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी दबंगई देखने को मिली है। हाथों में डंडे लिए इस व्यक्ति पर यहाँ बरसाते बेधड़क नजर आ रहे हैं। इसका फुटेज भी सामने आ चुका है। सेक्टर 39 का ये पूरा मामला है। आम्रपाली सफार ये सोसाइटी बताई गई है जहां पर हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कैसे ये गार्ड जो हाथों में डंडे लिए इस व्यक्ति को पीटना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। उसकी ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। गाड़ी से जब व्यक्ति नीचे उतरता है तो सारे गार्ड जो है उस पर टूट पड़ते हैं, डंडों से उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पवन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन का सीधा रुख कर लेते हैं। पवन, ये पूरा मामला कब का बताया जा रहा है? अभी तक कुछ कार्रवाई इस पर हो पाई है? क्योंकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि गार्ड किस तरीके से हाथों में डंडे लेके इस शख्स की पिटाई कर रहा है। आप देखिए, कल बीती रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। आम्रपाली सफायर सोसाइटी है जहां पर ये मारपीट हुई थी। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर रही है और इसके बाद लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन गिरफ्तारी की बात करें या किसी को हिरासत में लेने की बात करें तो हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है, इसमें बुरी तरीके से दो शख्स को जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है वो लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वहाँ के रहने वाले लोगों और उनके मिलने आने जाने वाले लोगों के लिए भी दहशत वाली खबर है। अगर आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं और वहाँ के जो रक्षक हैं वही भक्षक बनकर आपको मारने पीटने लगते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में डर व्याप्त हो जाता है। और ये सीधा दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन सिक्योरिटी गार्ड के जो हौसले हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद है। आपराधिक तत्व सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घुसकर नौकरी करते हैं और इस तरीके के लोगों के साथ मारपीट करते हैं। इस पूरे मामले में फिलहाल 39 सेक्टर में FIR दर्ज की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है। और हम आपको बता दें कि बीती रात का ये वीडियो आम्रपाली सफायर थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी देने के लिए।